हे फ्रेंड्स, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग फिरदौस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही पुरानी वीडियोस मेरे पास रखी हुई थी, पुरानी मतलब कुछ 15-20 दिन पहले जब हम गए थे मुमरा कार्ड बांटने के लिए। फ्रेंड्स, शादी की तैयारियों में टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाया वीडियो एडिट करने का, तो मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत से शूट किया था तो क्यों ना वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। सो यहाँ पे मैं मुमरा की ट्रेन ले चुकी थी। ड्यूटी फिनिश करने के बाद मैंने ये ट्रेन पकड़ी और सेम यही ट्रेन जो है अमायरा के डैडी ने ली हुई थी। तो अब मैं यहाँ मुमरा उतर चुकी थी एंड हियर माय हीरो हैड अराइव्ड। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे मुमरा और हम जा रहे थे बाहर ऑटो लेने के लिए। हमने सोचा पहले थोड़ा खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है हम कार्ड बांटना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ऑटो मिल गई थी और अब हम जा रहे हैं मेरी बड़ी बुआ सास के घर और वो ही हमें लेके जाएंगी कार्ड बांटने के लिए सबके घर, बिकॉज हमें जो है किसी का घर पता नहीं है। तो यस, हम जा रहे हैं सबसे पहले बुआ के घर। अब घर के थोड़ा सा पहले जो है काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टर्स फ्रेंड्स यहाँ पे मिलते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने भी ये देखा और मुझे लग गई थी भूख। वैसे तो हम दोनों खाना खा के निकले हुए थे, बट फिर भी हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। और उसी के बगल में यहाँ पे खिचड़े वाले ने मतलब अपना एक ठेला लगा के रखा था और हमने यहाँ पर खिचड़ा भी सोचा टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खिचड़ा ले लिया था और सारे स्टार्टर्स जो है हमने ले लिए थे। हमने सोचा था कि घर जाके सबके साथ जो है आराम से बैठ के खाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है हम यहाँ पे ट्राई करने वाले थे खिचड़ा। फ्रेंड्स, खिचड़ा खा के बाकी स्टार्टर्स का पार्सल लेके हम निकल चुके थे घर की तरफ। और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो है बर्ड्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स थे, तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया आपकी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बुआ के घर पे हम पहुँच चुके थे और ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे ये है बुआ का घर। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके खाने पीने के बाद हम फौरन ही निकल चुके थे कार्ड बांटने के लिए और बुआ हमें जो है सबके घर लेके जाने वाली थी कार्ड बांटने। सो फ्रेंड्स, हमें ऑटो मिल चुकी थी और हमने सोचा कि सबसे पहले जो है सना के घर कार्ड बांटने जाएंगे। यस, बुआ की जो छोटी बेटी है सना, उसके घर हम कार्ड बांटने के लिए चले गए और वहाँ से तकरीबन एक घंटा एकदम मस्त खातिरदारी के बाद, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खातिरदारी की थी उसने, और फिर भाई बहनों की कुछ बातें होने लगी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन को लेके। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो चुका था और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया क्योंकि हम किसी भी घर में जो है पहली बार जा रहे थे और अभी हम यहाँ से निकल के जो घर जाने वाले हैं वो भी हम पहली बार जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकल के जा रहे थे रज़िया बुआ के घर। यस फ्रेंड्स, मैं जो है उनके घर, उनकी बहनों के घर पहली बार गई हुई थी और ये है सबा। ये मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करती हैं, मेरी वीडियोस भी देखती हैं और रिश्ते में ये जो है सारी मेरी ननंद लगी। बट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये लोग। मैंने मतलब मैं इनके घर जो है पहली बार गई हुई थी और आमना सामना भी शायद पहली बार ही हुआ था,
तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और बहुत सारी बातें की। मैं पहली बार मिली थी इनसे, ऐसा लग रहा था नहीं काफ़ी टाइम से हमारा आना जाना है। बहुत सारी बातें, और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हम यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि आसपास में 2-3 घर था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली और बहुत सारी बातें भी की, एंड आई एन्जॉयड। ये सब मेरी फैमिली है और ये लोग मुझे फॉलो करते हैं। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक थैंक यू। और आप देखते हो ना मेरी रेसिपीज, हाँ यस, बहुत इजी अच्छी चिकन, जीरा पुलाव। थैंक यू, जजाक अल्लाह। सो फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के हमें एक दो जगह और जाना था, और फिर कार्ड बांटने का सिलसिला हम ख़त्म करके जो है मार्केट जाने वाले थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने कार्ड बांटना जो है शुरू कर दिया था, और 2-3 घर जो बाकी रह गए थे, और फिर उसके बाद जो है हम चले गए थे मुंब्रा की मार्केट। क्या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। देखिए कोन भी बहुत अच्छी और सस्ती मिलती है मुंब्रा के मार्केट में। सो मार्केट जो है हमने अभी आधी भी नहीं घूमी थी और हमें बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी एनर्जी ले ली जाए गन्ने के शरबत के साथ। तो मैं और बुआ यहाँ पे जो है गन्ने का शरबत पीने खड़े हो गए थे, एंड एक दिन में मुंब्रा की बाजार घूमना इज इम्पॉसिबल। बहुत 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 बड़ी मार्केट थी। अब जूस पी के थोड़ी एनर्जी लेके हम आगे बढ़ चुके थे, और फ्रेंड्स यकीन मानिए बाज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन टाइम जो है भाग रहा था, और हमें घर भी रिटर्न जाना था। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि हम ड्यूटी करके गए थे। फिर भी बाज़ार के लिए तो मैं कभी नहीं मना करती फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग करना और बाज़ार में घूमना। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सेट थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का सेट चाहिए था नहीं मिला, और ये शॉप से हमने अमायरा का कपड़ा लिया। और फ्रेंड्स उसके बाद जो है मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, सो डायरेक्टली मैंने शूटिंग की ये दही वड़े से, जहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे। और बुआ ने और उमेरा ने बहुत ही अमेजिंग टेस्टी पराठे बनाए थे मेथी के, और मेन्दू वड़ा बनाया था एकदम मस्त वाली चटनी के साथ। और देख सकते हैं आप मेरा फ़ोन मैंने आते ही चार्जिंग पे लगा दिया था। कैसे होते, फोन खराब किए? खराब कौन किया बंदूक? मैं चलाता था हर दिन ये। हर दिन चलाते थे इसलिए खराब हो गई? अरे बाप रे बाप, किसको मारता था ये बंदूक से? किसको मारते थे बंदूक से? वो तो पटाखे वाली बंदूक है। अच्छा, पटाखे वाली बंदूक है? अरे बाप रे, पटाखा डाल के बड़े अब्बू फोड़ेंगे। पटाखा नहीं, नहीं है पटाखा? नहीं, तू है ना पटाखा? बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ। अरे बाप रे, पहले बोले थे तो अभी हम लोग बाजार गए थे ले आते थे ना। हाँ फिर ऐसे मारते थे। हाँ एंड फ्रेंड्स ये है रुमान, और माशाल्लाह बहुत बोलता है, और पहली बार इससे इतनी बात हुई हमारी। वाह, मैं मारू तुमको? चालू हो जाएगी। मैं कौन हूँ? अल्लाह, मैं बुआ हूँ? नहीं पापू, ये बड़े अब्बू है ना, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बड़ी अम्मी हूँ ना, बोलो ना। फोटो में देखा था मैंने। फोटो में देखा था? कौन से फोटो में देखा था? मम्मी इंस्टाग्राम देखती थी। अरे अल्लाह, मैं फिर मैसेज
आती थी। अरे मेरा बच्चा, बोलो बड़ी अम्मी बोलो, अरे मेरा बच्चा। फिर अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं देखते तुम, फोटो ही नहीं आती है। नहीं आती यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है डालने का। अब मेरे को यूट्यूब पे देखना। मम्मी लगाती है यूट्यूब? नहीं लगाती है। अभी मैं बोलूंगी मम्मी को। हाँ मम्मी का नेट ही नहीं है ना? नेट नहीं है मम्मी का। मम्मी का खत्म हो जाता है बार बार नेट, जब भी मम्मी सीरियल देखती खत्म ही हो जाता है। अरे अल्लाह, अभी मैं बोलती हूँ मैरा को कि कितना सीरियल देखती है, बच्चे को देखने नहीं देती बड़ी अम्मी को। मैं बोलती हूँ। हाँ नेट ही खत्म कर देती। इतना क्यूट है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे निकल चुके थे और अब हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ। काफ़ी रात हो चुकी थी फ्रेंड्स, और हमने सोचा कि हम जल्दी ही मतलब वाइंड अप करके घर पहुँच जाते, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हर एक जगह हम पहली बार गए हुए थे और सारे लोग कह रहे थे कि नहीं पहली बार आए हैं, थोड़ा बैठ के जाओ, थोड़ा खा के जाओ। तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था और हम थके हारे जो है स्टेशन पर बैठे हुए थे, और ट्रेन भी जो है 20 मिनट लेट थी फ्रेंड्स। तो हम बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझसे ज़्यादा तो अमायरा के डैडी थक गए थे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1:15 हो चुका था और हम बाइकला स्टेशन पहुँच चुके थे। नाइस। हाँ नहीं तो हिम्मत नहीं थी ना हमारी, हमको क्या मालूम यहाँ बंद रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमें एस्केलेटर बंद मिला था तो हमें ऐसे ही चढ़ना पड़ा था। अब हम स्टेशन उतर के जा रहे थे पहले, एंड इतनी रात में तो हम पहली बार ऐसे चल के जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2:15 बज चुके थे और अब हम पहुंच चुके थे घर। हमें नीचे आते आते स्पेशली मैंने फोर्स किया मायरा के लिए कि नहीं आप चाय ले लो, क्योंकि सर एकदम फटा जा रहा था फ्रेंड्स। और नीचे चाय वाले का वो ठेला देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं चाय पीनी है यार, तो चाय ले लिए थे हमने और रात के 2 बजे हम यहाँ पर चाय पी रहे थे। और यस, फिर उसके बाद हम सो गए थे। सो आई होप आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम कार्ड बांटने गए, और डेफिनेटली आपने मुमरा की मार्केट तो जरूर देखी होगी। आई थिंक मुंबई की जो मार्केट जो मैंने हमेशा आपको दिखाया नाफूदा, उससे भी कई ज्यादा बड़ी जो है वो मुमरा की मार्केट है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फ्रेंड्स, एक बात और, अभी जो मेरे चैनल पे मैं जो है कुकिंग के वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज शादी है। सो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम मिलेंगे बहुत ही नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज एवरीवन। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मेरे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन।